दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम और आप सभी को ढेर सारा प्यार। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ थंबनेल में, बारी बारी से आपको मैं दिखाऊंगा, 100% बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ है ये और सही न्यूज़ है ये। जो इसमें पहले हम जो है बात करेंगे, इसमें जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। वॉक इन इंटरव्यू, केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो है ये आपका जो है पर्यटन जो डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर गोमती नगर लखनऊ से, ये तो आपने देखा हो आपका अस्थाई मतलब संविदात्मक यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ जो है ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को जो है पूर्णतः यहाँ पर लिखा हुआ अस्थाई और संविदात्मक आधार पर जो है ये निश्चित मानदेय पर यहाँ पर जो है ये आपने देखा होगा यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जो जारी किया गया है। पदों की संख्या यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर 9 है पदों की संख्या, मैनेजर हैं, हेल्पर हैं ये, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो है। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर साक्षात्कार हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ जो है 12 दिसंबर 2023 को जो है प्रातः 10 बजे तक जो है यहाँ पर होटल का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये आपका होटल इलावत है ना वर्त और सिविल लाइन्स प्रयागराज में उपस्थित हो सके इसे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ अभ्यर्थी का चयन जो उसकी योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा। तो ये संविदा की नौकरी है तो इसमें रुपये वुपये आप देने की जरूरत नहीं है, केवल अगर आपको ऐसे रखना है तो आप रख लीजिएगा। अब फिलहाल तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर विशेष सचिव और साथ में प्रबंधक निदेशक यहाँ पर जो है दिया हुआ है। ये भर्ती जो है अखबार में आई थी, ये आज के अखबार में ये जारी की गई थी कि यहाँ पर जो है संविदा की नौकरी तो आप नौकरी कर सकते हैं। ये जो है बात करूँगा आपके हित की, तो यहाँ पर आपने दोपहर का और सुबह का वीडियो आपने देखा हुआ, यहाँ पर सुबह का वीडियो तो यहाँ पर लिखा हुआ एक भाई ने कमेंट किया हुआ है और ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। भाई लोग जो है कभी भी रोज़गार मेले में CV जमा करने के बाद फ़ोन आए कंपनी से, फ़ोन ना आए तो 1500 या 2500 पैसे मांगे तो नहीं भेजना है, है ना। मैंने एक साल पूरा बाराबंकी लखनऊ के जो है रोज़गार मेले गए थे और लगभग 7 बार जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है और कोई पैसा नहीं देना, ऐसे ज्वाइनिंग अगर कर लें तो ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं और ये वाली बात साहित्य है ये। साथ में जो अखबार में भी आ चुका आज के, है ना, तो आज के अखबार में आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें रोज़गार मेले में नौकरी के नाम पर चले जा रहे हैं बेरोज़गार, कहने का मतलब वही है। यहाँ पर जो है ये कंपनी के नाम से आपको जो 1500 रुपये जो वो जो कमेंट कर रहे थे ना बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, थोड़ा जूम कर दिया मैंने, 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के जाएंगे, है ना, 1050 आपके ड्रेस के जाएंगे, 249 रुपये आपके लंच के जाएंगे, ये सब जो है पैसे लूटने के साथ झंझट है ये। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इनसे फ्रॉड कंपनियाँ हैं ये, इनके खिलाफ धोखाधड़ी हो रही है बच्चों के खिलाफ, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कंपनी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, इनसे सतर्क रहें, है ना, रोज़गार मेले में जाए तो किसी को 1 रुपया भी ना दें, ठीक है। और वहीं पर एक भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया हुआ है, सर एक बात बताइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सर जो है यहाँ पर सर जी गुड मॉर्निंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद इनको भी जो है, और सर जी मिर्ज़ापुर में जो चपरासी भर्ती के लिए कोई पैसा तो नहीं मांगे, हमारा हुआ है। तो कहना मतलब क्या, इनका सिलेक्शन जो है प्योन भर्ती में हुआ है सिलेक्शन जो है, मतलब सारी कंपनियाँ एक जैसी नहीं होती, सारी कंपनियाँ फ्रॉड नहीं होती भाई। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो इस तरीके से आप जो है सुबह का वीडियो आप देख लीजिए, सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कमेंट आया था कि जो है सर हमारा चयन भी हुआ है प्योन भर्ती में मिर्ज़ापुर से और 1 रुपया भी नहीं लगा, तो इनके लिए है ना तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि ये रुपये मांगे जा रहे हैं तो किसी को भी रुपये देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी कंपनी एक जैसे नहीं होती। कहने मतलब क्या कि सब लोग मतलब एक जैसे नहीं होते हैं ना, खाऊ जो होते हैं ना बाकी सब होते हैं, तो प्लीज़ किसी को पेमेंट मत दीजिए। अखबार में भी आई है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट खबर है ये जो है। पीछे भी आपने देखा होगा यहाँ पर जो है मुझे जालौन डिस्ट्रिक्ट से इंटरव्यू के लिए जो है ईमेल आया था 10, इसमें जो है 10 को जो है इंटरव्यू 10 बजे से 10 दिसंबर को इनका इंटरव्यू है ये 10 बजे से और 2 बजे तक बुलाया गया, ठीक। तो कहना मतलब कि 10 से 2 बजे तक इंटरव्यू होगा और यहाँ पर इनको बुलाया गया बहराइच से जालौन, कहाँ पर पड़ता है देखो भाई, है ना, गूगल जिंदाबाद गूगल पर आप डाल लीजिए बहराइच टू जालौन, अपने आप बस वगैरह आपको ट्रैवल वगैरह सब आपको मिल जाएगा इसमें। और सुबह खबरों में कुछ इंपॉर्टेंट खबर छूट चुकी थी, 14 से 16 के बीच में आपका इसमें जो है DB होगा, इसमें जो है लेखपाल भर्ती के मिलान का, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा। 1596 अभ्यर्थी जो हैं ये अपने डॉक्यूमेंट मिलान के लिए किए, वो तैयार होते रहिए, आप तैयार इसमें हो जाइए, ठीक है। बात करेंगे इसमें 4500 लोगों के जो है DL वो निलंबित होंगे, तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि DL इसमें निलंबित होंगे और इस साल जो है बड़े हाथ से कहने का मतलब वो ये बहुत तेज रफ्तार के साथ भाग रहे हैं, इनके DL इनको निलंबित कर दिएंगे और सस्पेंड कर दिए इनके DL। यहाँ पर लिखो जनवरी से सितंबर तक जो है 11693 जो है लोगों ने ट्रैफिक नियम के तोड़े हैं, तो इसलिए इनके जो है निलंबित कर दिएंगे DL जितने भी हैं ड्राइविंग लाइसेंस। सुबह खबरों में कुछ इंपोर्टेंट खबर इसमें छूट चुकी थी, बात करेंगे शिक्षक भर्ती की, सामान्य अध्ययन और कठिन भाषा के सवालों ने इसको उलझाया था, 70% उपस्थिति केवल रही है बिहार शिक्षक भर्ती की।
और इसके बारे में मैंने आपको जो है कल शाम को बता दिया था और सुबह भी बताया था। मैंने जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 12 फरवरी से जो है स्टार्ट, 9 मार्च ख़त्म, होली से पहले पहले जो है सारी आपकी जो परीक्षा ख़त्म हो जाएंगी। विविध की जो है संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 30 सितंबर को इसमें कराई जाएगी, सॉरी यहाँ पे जो है ये सॉरी 30 दिसंबर को इसमें जो है आगे परीक्षा ऑफलाइन मोड में इसमें होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जो डॉक्टर होते हैं वही नकल कर रहे हैं तो क्या होगा है? नकल करते मिले पैरा मेडिकल छात्र 5 कॉलेज की जो परीक्षा रद्द, यहाँ पे कंट्रोल रूम से है ना, कंट्रोल रूम से जो पकड़ी की धांधली और लखनऊ के 2 कॉलेज में शामिल है। यहाँ पे देख लीजिए नकल मार रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, यहाँ पे जो है ये मेडिकल के छात्र हैं ये। उत्तर प्रदेश के जो है युवाओं को नौकरी रास नहीं आ रही बिहार की, क्योंकि उनके दूसरे डिपार्टमेंट में चयन हो गया जो छोड़ छोड़ के यहाँ पर जो है ये चले आए नौकरी। ये जो बिहार शिक्षक भर्ती में यही है कि प्रधान अध्यापक की जो परीक्षा में करंट अफेयर और फिजिक्स ने उलझाया, यहाँ पर भी देख सकते हैं 30% जो है इसमें अनुपस्थिति रही है छात्रों की जो है। शिक्षा विभाग को जो है अब अपील्स में जाना चाहिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया हो 69,000 शिक्षक भर्ती में जॉइनिंग लेटर जो केवल और केवल याची को मिलेगा, कि उसमें आरक्षण विवाद में जो है 1 नंबर का जो बड़ा हुआ था इसमें जो याची थे ना, तो उनको जो है जॉइनिंग लेटर में दे दिया जाएगा अब कुछ दिन के बाद जो है। एग्जाम के चक्कर में वेटिंग टिकट नहीं मिला फिर भी जो ट्रेन में घुसे अभ्यर्थी, एक बार पुनः बता रहा हूँ 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ 22 फरवरी से कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड जो है ये आपका CBSE और CISCE से भी आगे निकला यूपी बोर्ड। बताया गया यहाँ पे जो है अगले साल जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है नहीं रहेंगी स्टाफ नर्स की कमी, कहना मतलब क्या सारी भर्तियाँ पूरी कर ली जाएंगी। भाई ने कमेंट किया हुआ सर नया आयोग जो कब बनेगा, मैंने आपको बोला थोड़ा वेट रखिएगा 100% आपका नया आयोग बनेगा ठीक है। और यहाँ पर बताया डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद मंडल में एडिड इंटर कॉलेज की चपरासी भर्ती कब आएगी सर, 14 मंथ गुजर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, इसमें मैंने आपको बोला RN इंटर कॉलेज आपका चित्रपुर इंटर कॉलेज पीछे भी प्योन भर्ती निकाली गई थी, आपको ध्यान नहीं होगा वो भी एडिड कॉलेज ही है ठीक है। अंदर मार्केट की बात कर रहा हूँ बुद्ध बाजार की ठीक है, वहाँ पर आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सर 12 बंकी का इंटरव्यू कब तक होगा प्लीज़ बताइएगा। 12 बंकी में बे लड़कों का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं इंटरव्यू, यहाँ पे इन्होंने देखो कमेंट किया हुआ सर 12 बंकी का इंटरव्यू कब तक होगा, इनका नाम तो आया नहीं होगा। और यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं यहाँ पे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा 10 दिसंबर को इंटरव्यू है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऐसी बात नहीं है, इंटरव्यू अगर नाम लिस्ट में अगर होगा तो 100% आपको कॉल जरूर आएगा। बात करेंगे यहाँ 2600 पदों पर जो है सफाई, इसमें जो सरकारी वाला कब आएगा, सरकारी अभी नहीं आएगा, अभी नया आयोग बनेगा उससे पहले पहले जो इलेक्शन से पहले पहले होगा या फिर नए आयोग से पहले पहले, हाँ फिर भी अगर इन्फॉर्मेशन कोई मिलती है सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दे दूँगा ठीक है। तो देखो भाई अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने क्लर्क भर्ती का अपडेट शाम को मैं आपको दूंगा ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सर जो है मिर्जापुर से हमारे चपरासी में का चयन हुआ था और हमसे जो है पैसा तो नहीं मांगे, हमारा हुआ है सही बात, तो अच्छी बात है आपको जो है ये। अगर मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।